So in this class we are going to study about the cell. This is a very important topic, and the questions from this topic usually asked in approximately all the exams. So topic is the cell. क्या है cell? Cell is basic structural and functional unit of life. याद रहे बात कि क्या है, structural है और functional unit, यानी कि life की जो starting है वो cell से ही शुरू होती है. Cell के नीचे जो भी entities हैं वो life नहीं कहलाती है. तो basic unit जो है वो क्या है, वो cell है. जो भी लाइफ की जो भी फॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चर्स बना रही है वो सेल बनाती है, और जो भी फंक्शंस लाइफ के हमें शो होते हैं वो सभी रिजल्ट्स हैं किसके, सेल के, राइट. इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. फर्स्ट टाइम इन 1665 रॉबर्ट हुक स्टडीड बोटल कोर्क. उन्होंने बोटल कोर्क को एक माइक्रोस्कोप में स्टडी किया था, अंडर माइक्रोस्कोप. तो उन्हें जो स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई दी थी, क्या स्ट्रक्चर दिखी थी उन्हें, जो स्ट्रक्चर दिखाई दी वो स्ट्रक्चर दिखी थी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ध्यान रहे क्या दिखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी थी, लाइक दिस. और उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम दिया था सेल, बिकॉज इन लैटिन वर्ड द सेल वर्ड जो लिया गया है वो सेलुला से लिया गया है, और सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम. स्मॉल रूम, स्मॉल रूम को उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, सेल, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखा था जैसे वहां पर छोटी छोटी कुछ कोठरियां जैसी चीजें हैं. बेसिकली था क्या ये, क्योंकि एक बोटल कोर भी लिया गया था, तो बोटल कोर क्या है, कहां से बनता है, ये प्लांट के बार्क से बनता है, और बार्क जो होता है बेसिकली वो क्या होती है, वो डेड सेल्स होती है, राइट. तो बेसिकली जो उनको दिखाई दिया था ये डेड सेल्स में, ये क्या दिखाई दिया था उनको, सेल वॉल दिखाई दिया था, बिकॉज हम जानते हैं कि प्लांट सेल के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है. तो बेसिकली उनको जो यहां पर दिखाई दिया था ये सेल वॉल थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि स्टार्टिंग कर दी थी और एक सेल नाम फॉर्म कर दिया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा गया है, राइट. एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो उनकी फाइंडिंग्स थी, यानी कि जो उनको ये सेल्स जो उन्होंने दिया था, जो दिखाई दी थी उन्हें, इस फाइंडिंग्स को उन्होंने पब्लिश किया था, पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया, दिस द नेम ऑफ बुक. एक बुक उन्होंने पब्लिश करी थी जिस बुक का नाम है माइक्रो ग्राफिया. ध्यान रहे बात, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम ये, जैसा मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक जो है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, उसी तरह से फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जो है वो है जॉर्ज पैलेट. याद रहे नाम, जॉर्ज पैलेट. इनको कहा गया फादर ऑफ सेल बायोलॉजी. अब क्वेश्चन आता है कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या फर्क है. याद रहे बात कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या फर्क है. तो साइटोलॉजी के हम अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और सेल बायोलॉजी के अंदर हम उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन की भी बात करते हैं कि एक सेल कैसे रिप्रोड्यूस करती है, राइट.
तो ध्यान दें कि साइकोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक है और सेल बायोलॉजी के फादर जॉर्ज टालर। इसके बाद फर्स्ट, अगर क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो सेल यहां पर दिखाई दी थी वो डेड सेल्स थी, तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले थे, डिस्कवर्ड बाय एंटोन ल्योवेनहुक। देखिए यहां पर भी हुक है और यहां पर भी हुक है, राइट, केवल एक ई का डिफरेंस है। तो ये जो सेल की डिस्कवरी थी हुक नाम के बंधुओं ने लिखी थी वो डिस्कवर करेंगे, राइट। तो एंटोन ल्योवेनहुक ने सेल्स को डिस्कवर किया यहां पे फर्स्ट लिविंग सेल्स को, और इन्होंने जो कहां पर देखा, उन्होंने रेन वाटर के अंदर देखा, रेन वाटर का स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, और उनको यहां पर कुछ छोटे छोटे सेल्स जो है वो भागती हुई नजर आई थी, यानी कि वो एनिमेशन कर रही थी, उनमें क्या थी, मूवमेंट थी, वो दौड़ रही थी इधर उधर ऐसे, उनमें एनिमेशन थी। तो इसीलिए उन्होंने जो फाइंडिंग्स उनको मिली थी उनको क्या कह दिया था, एनिमल क्यूल्स, उनका नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। बाद में यही एनिमल क्यूल्स जो है क्या कहना है, बैक्टीरिया कहना है, कि वो जो एंटोन ल्योवेनहुक ने जो डिस्कवर किया था बेसिकली वो बैक्टीरिया थे, इसीलिए एंटोन ल्योवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोन ल्योवेनहुक। एक चीज यहां पर और पूछी जा सकती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो डिस्कवरी करी वो माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन करा, यहां पर भी माइक्रोस्कोप के साथ इन्होंने रेन वॉटर की स्टडी करी, तो एक क्वेश्चन बन जाता है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप किसने करी, राइट, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो ये नाम आता है जेनसन वर्मा, जेनसन एंड जेनसन। फर्स्ट जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी थी, आप कंपाउंड भी लिख लें, फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि एक से ज्यादा लेंसेस को यूज करके जो माइक्रोस्कोप बनाई जाती है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर और याद रहे, जैसा मैंने बताया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक थे, लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, तो आंसर आएगा स्वानसन। याद रहे बात कि जो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है उनका नाम है स्वानसन। एक चीज और यहां पर याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि फादर डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो डिस्कवरर थे वो है नोल एंड रस्का। ध्यान रहे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कवरर है वो है नोल एंड रस्का। तो यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन यही कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर करी, रॉबर्ट हुक। फादर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, कौन सा किसका फादर है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक। इन 1831 ये डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। याद रहे रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी है और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, राइट, कहां पर किया अगर कोई ये भी पूछ ले, रूट्स ऑफ ऑर्किड, प्लांट्स जो है रूट्स ऑर्किड में इन्होंने डिस्कवरी करी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इन 1838 जर्मन बोटनिस्ट एम स्लाइडन ने, इन्होंने एम स्लाइडन ने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स को लिया और उन्होंने वन बाय वन एक एक करके उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी करी और उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हैं। तो इन्होंने यहां पर क्या कहा, एम स्लाइडन ने, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। यार बस यहां पर यह याद रखना कि स्लाइडन ने किस पे काम किया था, स्लाइडन से बॉटनिस्ट थे। इन 1839 उनको जस्ट फॉलो करते हुए एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, नाम क्या था इनका, टी श्वान। टी श्वान ने सेम स्टडी उन्होंने एनिमल्स के ऊपर किया, किस पे किया, एनिमल्स के ऊपर किया और उन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये बात कही। उन्होंने साथ में एक बात और कही, बट एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स से थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस उन्होंने बताया कि एनिमल सेल्स लैक एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर की कमी है किसके पास, एनिमल सेल्स की, जिसे बाद में क्या कहा गया, सेल वॉल कहा गया, राइट। यानी कि एनिमल सेल्स में क्या नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो यहां पर, बट यहां पर इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे कहा गया सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने प्रोजेक्ट करी या किसने प्रपोज करी, तो सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड श्वान, ये चीज ध्यान रहे। सेल थ्योरी वॉज, यू का तो क्वेश्चन आएगा, प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड श्वान, जुगत क्वेश्चन। इन्होंने सेल थ्योरी में क्या क्या बताया, सेल थ्योरी का इन्होंने पहला पॉइंट कहा, क्योंकि एनिमल्स भी आ गए और प्लांट्स भी आ गए, तो इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए। ये इन्होंने सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कहा। दूसरा पॉइंट कहा कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड, जो पहली लाइन हमने पढ़ी थी वो बेसिकली सेल थ्योरी की है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, किसने कहा, स्लाइडन एंड स्वान ने कहा। लेकिन दे वर अनेबल टू आंसर ओरिजिन ऑफ सेल, कि सेल कहां से बनती है, राइट। वो किस चीज में फेल हो रहे थे कि भाई एक सेल तो बनी, दूसरी सेल कैसे बनती है ये बताने में वो असमर्थ थे। कौन असमर्थ था, स्लाइडन एंड स्वान। तो यहीं पर फिर इन 1858 एक साइंटिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने एक थ्योरी दी ओमिंस सेलुलर ई सेलुलर, याद रहे ये बात इंपॉर्टेंट है, ओमिंस सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब यह है ईच न्यू सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री
एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब हुआ कि जो भी नई सेल बनती है वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। कोई भी सेल्स डीनोवा सिंथेसिस नहीं कर सकती। डीनोवा सिंथेसिस का मतलब होता है कि अपने आप से ओरिजिनेट हो जाए। जो भी नई सेल्स होगी वो हमेशा पुरानी सेल में से ही बनेगी। कोई भी सेल अपने आप से नई सेल पैदा नहीं हो सकती। ये किसने कहा? ये रुडोल्फ पिर्चो ने कहा। और इसी बात को फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी में ऐड कर दिया। याद रहे तो सेल थ्योरी के पॉइंट क्या क्या हुए? सेल थ्योरी के पॉइंट हुए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स, एंड ईच न्यू सेल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दीज आर द थ्री पॉइंट्स व्हिच बिलोंग टू सेल थ्योरी। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से आए एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। कुछ ऐसी सेल्स थी जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती थी, राइट? क्योंकि ये भी आ गया था सेल थ्योरी में, ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, बाद में आ गया था कि हर एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट? तो यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते थे। जैसा पहला था कि वायरसेस। वायरस क्या है? दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। आपको पता है कि जब तक सेल के बाहर है तब तक नॉन लिविंग है, सेल के अंदर जाते ही लिविंग हो जाते हैं। तो वायरसेस को वो बता नहीं पाए कि वो लिविंग में रखा जाए या नॉन लिविंग में रखा जाए, इसको सेल कहा जाए या ना कहा जाए। तो हालांकि इसको हम जब सेल के अंदर होता है तो लिविंग कहते हैं, तो यानी कि सेलुलर एंटिटी हो गई, और जब सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग कह देते हैं। तो इस ये एक एक्सेप्शन में आता है। दूसरा आता है जैसे आरबीसीज है एंड सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या है? जो प्लांट्स में पाई जाती हैं, जो हमारा जाइलम फ्लोएम्स बनाती है, राइट? ये आगे जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। तो इन दोनों में क्या होता है? बेसिकली न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये एक सेल थ्योरी से एक्सेप्शन में आ गया। तीसरा क्या होता है कि कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, सिनोसिटिक सेल्स होते हैं। सिनोसिटिक सेल्स क्या मतलब होता है? सिनोसिटिक सेल्स का मोर देन वन न्यूक्लियस। ऐसी कंडीशन कहां थी है? ऐसी कंडीशन देखी गई है फंगाई में भी देखा गया है, जैसे कि राइजोपस, और एल्गा में भी देखा गया है जैसे वाउचेरिया। इनमें देखा गया है कि क्या कहते हैं कि इनमें एक से ज्यादा कैसे होता है? बेसिकली मैं छोटा सा ब्रीफ करता हूं। जैसे ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, राइट? जब ये दोनों सेल्स फ्यूज हो जाती हैं, जैसे तो ये क्या करता है, जैसे हमने बताया कि क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, राइट? ये न्यूक्लियस है। तो जब ये दोनों सेल्स फ्यूज हो जाती हैं तो बहुत लंबे समय तक इनका फर्दर डिवीजन रुक जाता है। समझो मेरी बात को कि ये एक सेल है, ये दूसरी सेल से। अब जब दोनों सेल्स आपस में फ्यूज होता है, ये मान लो ये ऊसाइट है, ये स्पर्म है और ये ऊसाइट है। जब स्पर्म और ऊसाइट आपस में मिलते हैं एक जायगोट बनता है। तो जायगोट कब बनेगा? जब दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे ये सेल क्या हो गई? ये एन हो गई। ये सेल क्या हो गई? ये एन हो गई। और जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 2n बोलेंगे, राइट? लेकिन जो ये कंडीशन बन जाती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं n प्लस n डाइकैरियोन। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? डाइकैरियोन। आगे जब फंगाई पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे डाइकैरियोन कंडीशन या डाइकैरियोटिक कंडीशन कैसे बनती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
और अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में अगर मेजर बातों में मैं जाऊं तो मेजर बातों में या मेजर थ्योरी पे अगर मैं जाऊं तो दो तरह की सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जिसको हम प्रिमिटिव सेल्स, या यूं कहा जाए कि जो फर्स्ट अर्थ पे आने वाली जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और एडवांस सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। लेकिन कोई चीज एकदम बेसिक से एडवांस तो नहीं हो सकती, राइट? एकदम तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो उसके बीच में कुछ तो स्टेज रही होगी जिस टाइम पर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो रही है या बढ़ रही है उस तरफ में, तो बीच में बहुत सारी स्टेजेस तो आई होंगी। क्या वो स्टेजेस आज भी एग्जिस्ट करती हैं? क्या उस तरह की सेल्स आज भी हैं? तो आंसर है यस। तो जब तीसरे टाइप की जो सेल्स है उसको हम कह देते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स। मीजो का मतलब ही होता है इन बिटवीन, राइट? इन बिटवीन आज भी कुछ सेल्स कैसी हैं जो कुछ कैरेक्टर्स ये वाले रखे हुए हैं और कुछ कैरेक्टर्स यूकैरियोटिक वाले रखे हुए हैं, राइट? उस तरह की सेल्स क्या कहलाती है, मीजोकैरियोटिक कहलाती है, ठीक है? अभी देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो हम तीन कॉलम यहां पर बना लेते हैं, एक प्रोकैरियोटिक का बना लेते हैं और एक मीजोकैरियोटिक का बना लेते हैं और तीसरा हम यूकैरियोटिक सेल्स का बना लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, यू, सबसे पहले बात करते हैं, हम पहला पॉइंट लेके चलते हैं साइज का। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही स्मॉल होती है, सबसे छोटी सेल्स है, तो यूजुअली इनका जो साइज होता है वो 1 to 5 माइक्रोन का होता है या माइक्रोमीटर का होता है। जो मीजोकैरियोटिक सेल्स है उनका 5 to 10 माइक्रो एम का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है, राइट? ये साइज की हम बात कर रहे हैं। दूसरे लेवल पर अगर मैं जाऊं न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स से अलग बनाती है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव शुरुआत टाइप का, और कैरियोन, कैरियोटिक मतलब लिया गया है कैरियोन से, ये वर्ड जो लिया है वो किससे लिया है? कैरियोन। कैरियोन का मतलब क्या होता है? कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, या यूं कह लें एक न्यूक्लियस की एंटिटी जैसा होता है, बट प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर नहीं होती है, राइट? मीजोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि तो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। जिस टाइम पर हम डीएनए को पढ़ेंगे या हम क्रोमोजोम और क्रोमेटिन को पढ़ेंगे तो डीएनए के साथ में वहां पर कुछ प्रोटीन्स बाउंड रहती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो डीएनए को उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ले जाती है और डीएनए से क्रोमेटिन बनाती है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन इक्वल्स टू क्रोमेटिन कहलाता है, राइट? तो वही प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन जो डीएनए के साथ होती है, वो कौन सी प्रोटीन है? वो हिस्टोन प्रोटीन है, राइट? तो अब देखा जाए तो हिस्टोन प्रोटीन क्या यहां पाई जाती है? तो आंसर आएगा एब्सेंट, राइट? अगर यहां पूछा जाए तो आंसर आएगा न्यूक्लियस है, ये कैरेक्टर यूकैरियोटिक से मैच हो रहा है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यह कैरेक्टर प्रोकैरियोट से मैच हुआ। तो यह वो स्टेज थी कि जब न्यूक्लियस बनने लगा था लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनी थी, तो इसलिए यह क्या कहलाई? मीजोकैरियोटिक सेल्स कहलाती, राइट? इनमें
डेफिनेटली यहां तो पाया जाएगा, एडवांस लेवल की बात है। आगे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो डिवीजन कैसे होता है, सेल्स आपस जब डिवाइड होती है, एक सेल से दूसरी सेल्स बनती है, तो कौन सा डिवीजन होता है, तो आपने पढ़ा होगा माइटोटिक और मियोसिस, राइट। तो यहां पर क्योंकि ये तो हमारी बॉडी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स है, तो मियोसिस तो नहीं होगी, क्योंकि मियोसिस तो हमेशा जर्म सेल्स में होती है। तो यहां पर जो होगा वो होगा ए माइटोटिक, ए का मतलब एब्सेंट और माइटोटिक मतलब सेल्स प्रॉपर डिवाइड होती है, ग्रोथ फेज में आती है, ग्रोथ करती है, फिर रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डिवाइड होती है। तो यहां पर लेकिन माइटोसिस एब्सेंट होती है, क्या होती है, माइटोसिस एब्सेंट होती है। ए का मतलब ही क्या है, एब्सेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में, तो अगर पूछा गया जैसे एग्जाम्पल प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया, तो यह पूछा गया कि बैक्टीरिया में डिवीजन कैसे होता है, तो वो क्या हो गया, ए माइटोटिक, राइट। या पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि जो रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो कब होता है, तो जस्ट बिफोर बाइनरी फ्यूजन, जिस टाइम पे वो फ्यूजन करने जा रहा है, तो यानी कि जो इसमें डिवीजन होता है वो कैसे होता है, फ्यूजन्स के थ्रू होता है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, राइट। और भी बहुत सारे हैं तरीके, लेकिन ए माइटोटिक इसको काउंट करता है, ठीक है। यहां पर भी कैसा होगा, ए माइटोटिक होगा, तो ये कैरेक्टर भी इससे मिल रहा है, और यहां पर जो होगा वो कैसे होगा, माइटोटिक भी होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक है मेम्ब्रेन बाउंड, वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है उनको, तो क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं, तो आंसर है नो, एब्सेंट होता है। यहां पर अगर बात करें कि क्या यहां पाया जाता है, तो यहां पर आएगा यस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहां पर पाए जाते हैं, और यहां पर देखा जाए तो यस, राइट, यहां पर प्रेजेंट होते हैं और यहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से अगर मैं मेम्ब्रेन फ्री सेल ऑर्गेनल्स की बात करूं, जैसे एग्जांपल मैंने लू तो क्या कहें, राइबोसोम्स की बात, राइट। तो राइबोसोम्स क्या यहां पाए जाएंगे, तो आंसर है यस। कौन सा, ये याद रखे कि यहां पर कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है, 70s। यहां पर कौन सा पाया जाएगा, यहां पर 70s, 70s एंड 80s, याद रहेगी बात, ठीक, 70s एंड 80s। अगला पॉइंट लेते हैं, अगले पॉइंट में आता है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन सेल्स के अंदर भी, अगर ये सेल्स है, इस सेल्स के फ्रेम को मेंटेन रखने के लिए, कि इस सेल्स में इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए अंदर एक स्केलेटन होता है। तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसे आप करते हैं बीटा एक्टिन, इस ये बीटा एक्टिन इसमें होता है, ट्यूबुलिन वो इससे बना होता है, जो और भी बेसिक प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, राइट। वो आगे बताएंगे जब कभी साइटोस्केलेटन पढ़ाएंगे सेल के बारे, तो वहां पे बताया जाएगा। तो साइटोस्केलेटन यहां पर एब्सेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है, और यहां पर भी प्रेजेंट होता है, ये डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा एक कैटेगरी और ले लेते हैं, बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन जो मेजर मेजर है उसको हमने यहां पर रखा हुआ है। एक होता है फ्लैजेला, फ्लैजेलम इंटरनल स्ट्रक्चर, तो फ्लैजेलम इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, तो यहां पर 9+2 पैटर्न एब्सेंट होता है,
आगे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगे, जैसे जैसे हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताऊंगा 9+2 पैटर्न क्या होता है, राइट। तो यहां पर ये प्रेजेंट होता है और यहां पर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर हुई बात। सो इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट सेल्स एंड मेनली ये कुछ मीजोकैरियोटिक सेल्स के भी यहां पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एड कर दिए। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अभी हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स को दो तरह से में बांट दिया गया, एक प्लांट सेल्स और दूसरी एनिमल सेल्स। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो यहां पर कोई फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, प्लांट सेल में होती है, तो यहां पर क्या होता है प्रेजेंट और यहां पर क्या होगा एब्सेंट। इसी तरह से सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल काम आते हैं सेल डिवीजन में, जिस टाइम पर स्पिंडल फाइबर का ओरिजिनेशन होता है तो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, वो कहां से होते हैं सेंट्रियोल से होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। तो यहां पर सेल जो सेंट्रियोल होते हैं वो एब्सेंट होता है और यहां पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके अलावा अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो यहां पर एब्सेंट होते हैं और यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर याद कर ले जो मैं पीछे बताना भूल गया, कि जो आपने प्रोकैरियोटिक लिए थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो एग्जांपल हैं वो होंगे मेनली बैक्टीरिया, राइट। और जो मीजोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल होंगे वो है डाइनोफ्लाजिलेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहे डाइनोफ्लाजिलेट्स, डाइनोफ्लाजिलेट्स या इनको डाई एटम्स कहते हैं, डाइनोफ्लाजिलेट्स या डाई एटम्स। ये किस किंगडम में आते हैं, ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किसमें है किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। जैसे हमने पूरे लाइफ को या ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में बांटा हुआ है ना, कौन सा मोनेरा जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, दूसरा प्रोटिस्टा जिसमें आपके प्रोटोजोन्स भी आ जाते हैं, तो प्रोटोजोन्स भी होते हैं और वहां पे डायटम्स भी होते हैं, डायनोफ्लाजिलेट्स भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम डायनोफ्लाजिलेट्स होते हैं जो मीजोकैरियोटिक की तरह से बिहेव करते हैं या मीजोकैरियोट्स होते हैं। तीसरा इसमें क्या होता है, फंगाई होता है, फिर प्लांट और पांचवा एनिमेलिया, राइट। तो ये तीनों ही ट्रू यूकैरियोट्स हैं, ये क्या है यूकैरियोट्स हैं तीनों, और ये क्या है ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये किनके बीच की कड़ी है, किनके बीच की कड़ी, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच की कड़ी कौन है प्रोटिस्टा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर सेल वॉल चीज हुआ, सेल वॉल यहां पर उल्टा लिख दिया, सेल वॉल यहां पर बेटा प्रेजेंट होगी और यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और यहां पर एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है, क्लियर होगी बस। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पर लिख सकते हैं वैक्यूल्स का, वैक्यूल्स यहां पर क्या होती है बिग एंड लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती है, बिग एंड लार्ज वैक्यूल्स पाई जाते हैं। यहां पर मे और मे नॉट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर होती है, अगर बाइसॉस होती भी है तो बहुत ही छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है, समझ वाली बात। चलो अब अगला पॉइंट लेते हैं सेल स्ट्रक्चर, तो फिर लेते हैं हम सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को पहले हम ऐसे ही डिवाइड करके देखते हैं कि क्या क्या चीजों से मिलकर बनी हुई है, ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे विद डायग्राम, ठीक। तो सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
एक सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है, और दूसरा जो है यहां पर प्रोटोप्लाज्म। अगर बात आएगी प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, ध्यान रहे बात, प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था पुर्किंजे। क्या नाम था? पुर्किंजे। पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुर्किंजे। प्रोटोप्लाज्म ही सेल का लिविंग सब्सटेंस है, यानी कि अगर किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलिए, प्रोटोप्लाज्म में तीन पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस, दूसरा प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि न्यूक्लियस लिविंग है नॉन लिविंग है, क्या आंसर मिलेगा? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन लिविंग है नॉन लिविंग है, या साइटोप्लाज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैंने क्या कहा था कि लाइफ कहां से शुरू होती है, सेल से शुरू होती है, और सेल तो ये है, तो उसके नीचे कोई भी चीज हम अगर बात करेंगे वो सारी नॉन लिविंग होगी। सेल के नीचे जाकर हम किसी भी सेल ऑर्गेनल्स या सेल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। केवल प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग है, या इसके बाद जो टिश्यू बनेगा वो लिविंग होगा, टिश्यू के बाद जो ऑर्गन बनेगा वो लिविंग होगा, राइट? ऑर्गन से जो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे वो लिविंग होंगे, ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो लिविंग होंगे, लेकिन सेल के नीचे यानी कि प्रोटोप्लाज्म के नीचे जाकर जब हम बात करेंगे वो क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। ध्यान दें इस बात। न्यूक्लियस जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, उन्होंने न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं, क्या इसके भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिंगल है, उसमें तो कोई उसके तो फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते। साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, हाइलोप्लाज्म एंड सेल इंक्लूजन्स बॉडी, यानी के जो इनसोल्युबल बॉडीज होती है। ऐसी बॉडीज होती है जो इनसोल्युबल रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स दो तरह के हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या मेम्ब्रेन फ्री होंगे, जैसे राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड भी दो तरह से हो सकती है, जिनके ऊपर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे लाइसोसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन।